अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? अल्लाह करम है, माशाल्लाह भाई, बड़ा रश लगाया हुआ, बड़ी रौनक लगाई हुई है। मौला करम है, वाह भाई वाह। क्या है भाई, ये 400 रुपए किलो गोश्त दे रहे हैं आप? जी जी। क्या है गोश्त में ऐसा खास बात क्या है भाई? ये पूछे आप लेके जा रहे हो माशाल्लाह आवाम में। अच्छा, जो आवाम लेके जा रही है उनसे तो हम पूछेंगे, लेकिन एक जहन में सवाल आते हैं, 400 रुपए किलो गोश्त कैसे मिल रहा है इतनी महंगाई के दौर में? अच्छा ये दिखा रहे हैं, ये देखें भाई नागरिक, ये गोश्त किस चीज का है ये बताएं? नाइन का। किस चीज का गोश्त? अच्छा ये बताएं भाई, आपके पास हड्डी गुड्डी नरोटे वगैरह भी होते हैं क्या? वो क्या हिसाब मिल जाएगी? हड्डी गुड्डी 150 रुपए किलो। 150 रुपए? हाँ भाई वाह। हाँ जरा अगर कोई ज्यादा क्वांटिटी में लेना चाहे तो उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे ना, वीडियो में नंबर चल रहे हमारे। हाँ बताएं, नंबर बताते हैं। 0318। सही है। 2952। अच्छा तो कोई शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए लेना चाहे बल्क क्वांटिटी में उसको मिल जाएगा ज्यादा है? हड्डी वाला 400 रुपए किलो, बगैर हड्डी 800। हड्डी वाला 400 रुपए, बगैर हड्डी के 800 रुपए, बगैर हड्डी के 800 रुपए। अच्छा भाई, अच्छा किलो में कितना है? यानी हड्डी की 1 किलो में 1.5 पाव, 2.5 पाव वो 1.5 पाव हड्डी, 1.5 पाव हड्डी होती है। अच्छा नॉर्मल भी तकरीबन यही चल रहा है भाई? नॉर्मल भी 1.5 पाव। सही हो गया। अच्छा तो अपना एड्रेस बताइएगा, एड्रेस क्या है? टाउन 12 नंबर, औरंगी टाउन 12 नंबर। ठीक है। अच्छा तो ऑनलाइन लेना चाहे तो कोई सेटअप है अपने पास? नहीं, यहीं आना पड़ेगा। एड्रेस बता दें, एड्रेस क्या है, एड्रेस बता दीजिएगा। अपना 5 नंबर सीधा है ना, 4 गिलास के। सही है। थोड़ा ऊपर है कॉलम में, पेड़ के नीचे दुकान है मेरी। पेड़ के नीचे दुकान है? कौन अभी बैनर लगे हुए मिराज कृषि के। सही है। शॉप की टाइमिंग वगैरह क्या है? सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। रात 10 बजे तक, ठीक है। ये कब तक ये ऑफर कंटिन्यू चला रहे हैं यार? कब तक चला रहे? कोई लिमिटेड टाइम ऑफर है क्या ये? जब तक मिराज भाई की मेहरबानी है, तब तक मिराज भाई की मेहरबानी है। अच्छा चलो ठीक है भाई, रिव्यूज लेते हैं पब्लिक का, वो इस बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। खैरियत से हैं? अच्छा भाई, यहाँ के गोश्त के हवाले से कुछ बताएं, आप कब से ले रहे हैं गोश्त यहाँ से? खुद फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ हूँ। जी फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए, कहाँ से तशरीफ लाए आप? यही से आया हूँ, खाली कर लो। करीब से ही आए? सही है। तो कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर ये गोश्त 400 रुपए किलो मिले? तो गोश्त लेने नहीं आया हूँ, गुजर रहा था, रश देख के खड़ा हूँ। अच्छा रश देख कर रुके आप? जिस तरह आप चौक है। सही है। 400 रुपए गोश्त, बिल्कुल यार ये हैरान कर देने वाली बात है। हैरान वाली बात है कि 400 रुपए गोश्त इस महंगाई के दौर में ये दे रहे हैं। अच्छा क्वालिटी आपके सामने है भाई, जाहिर है देख कर भी कुछ अंदाजा हो जाता है इंसान को। आपको कैसा लग रहा है ये गोश्त? दिख तो सही रहा, कुछ बेहतरीन दिख रहा। दिखने में ये देखे देखा जाए तो गोश्त तो अच्छा सही लग रहा है। बड़े जानवर का है? बड़े जानवर का है ना? बड़े जानवर, यानी नॉर्मली जिस तरह आता है उसी। ये देखें भाई, ये काट रहे गोश्त हमारे सामने, ये देखें भाई। अब कोई बोले यार ये पानी वाला गोश्त होगा, तो क्या कहते हैं आपको, लग रहा पानी वाला गोश्त? पानी वाला लग तो नहीं रहा। लग तो नहीं रहा ना, बाकी सारे ले जाएंगे पकाएंगे वो अंदाजा होगा। जब पता लगा। सही, जबरदस्त भाई, ये गोश्त है पकायदा बिल्कुल ओके है भाई, बेहतरीन जबरदस्त, वाह भाई वाह। अच्छा भाई एक और भाई ने गोश्त लिया है, ये भाई से हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं तो रहता फरंगी में, अभी मैं अम्मी घर आया हूँ, गोश्त सुना अच्छा मिल रहा है, लेने आया हूँ। अच्छा कहाँ रिहाइश है आपकी? फरंगी में, फरंगी डेढ़ नंबर में। फरंगी डेढ़ नंबर जी। अच्छा यहाँ अम्मी के घर पे आए हैं? अम्मी घर आया हूँ, यहाँ गोश्त लेने में आया हूँ। सही। अच्छा तो कैसा लगा गोश्त आपको यहाँ? अच्छा लगा, मेरे दोस्त ने लेके गया तो उसने बोला अच्छा है यहाँ का। अच्छा इसलिए लेने आया हूँ। तो अभी आप ले रहे हैं तो कैसा आपके सामने गोश्त क्वालिटी वगैरह? आप मुतमईन है? नहीं, गोश्त यानी जो लोग देखते हैं वो हैरान होते हैं यार, 400 रुपए किलो गोश्त महंगाई में, 400 बहुत मुश्किल है मिल जाए, कहीं भी नहीं मिल रहा। 1200-1000 रुपया, 1600 रुपये कुछ मिल रहा है, 400 बहुत मिल रहा है। कराची में और कहीं पर भी इतना सस्ता गोश्त नहीं मिल रहा ना, वो क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। सामने बगैर पानी नजर आ रहा है गोश्त, बिल्कुल ऐसा ही है। चले बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह भाई आप भी आए हुए, ये गोश्त का यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है तो इसके बारे में माशाल्लाह आपने भी गोश्त लिया है? हाँ हमने भी गोश्त लिया है, माशाल्लाह बड़ी तारीफें सुनी है इनकी। सही है। तो मैं बोला चलो ट्राई कर लेते हैं, तो 2 किलो मैं भी लेकर के जा रहा हूँ भाई।
सही है। हाँ जी। अच्छा, देखते हैं आपको कैसी लगी क्वालिटी, देखने में कैसी है? बड़ी जबरदस्त है, आप देखो बड़ी जबरदस्त गोश्त दिया इसने। अच्छा, गोश्त अच्छा दिया है, गोश्त दिया सही है, रूखा गोश्त है, रूखा गोश्त है। कितना लिया आपने? ये 1 किलो बगैर हड्डी का लिया, 1 किलो हड्डी वाला लिया। हड्डी वाला और बगैर हड्डी का दोनों लिया आपने। अच्छा, तो हड्डी वाला सस्ता है, 400 रुपए किलो हड्डी वाला, 400 रुपए बगैर हड्डी का, 800 रुपए का, 800 रुपए है ना। तो हड्डी वाले में ऐसा तो नहीं है कि आपको लगा यार पानी इसने डाल के दे दिया? नहीं नहीं, हड्डी वाले में पानी कहाँ भाई, वीआईपी गोश्त है, अल्लाह के हुक्म से बस सही है। अच्छा लगा मुझे। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो लोग देखते हैं मैसेज मैसेज करते हैं, हालात के एतबार से जो गरीब आदमी है ना वो ये अफोर्ड कर लेगा आकर के, सही है, अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल। अच्छा, वो अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है। तो आप रेकमेंड करते हैं लोगों को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अस्सलाम जी जनाब, खैरियत से? जी अल्लाह। आप ये गोश्त लेने के लिए आए हैं? जी जी जी। यहाँ पे इतना सस्ता गोश्त मिल रहा है आखिर कैसे? ये तो सर मैं भी आज पहली दिन है मेरा, जो बात है मैं आज लगाया नहीं, आज पहली दफा आया हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त एक ले रहा था, उसको देखा मैंने, तो मैंने बोला मैं भी लेकर देखूँ। सही है जी। तो कैसा लगा, देखने में कैसा लगा आपको? पहले देखने में तो सही लग रहा है, मसला से अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो यानी कहते ना लोग बातें करते हैं यार, बोला यार हड्डी वाला गोश्त होगा, पानी हो सॉरी पानी वाला गोश्त होगा और खराब होगी, खराब जानवर होगा, अजीब सा होगा, बातें करते हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्त, ये जो गोश्त है आपको देखकर कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी अभी तक, कमी नहीं लग रही, कोई कमी नहीं दिखी मुझे। चलो सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपके गोश्त लेने के लिए आए? कहाँ से आए आप? 4 नंबर से। 11:30 11:30 से। अच्छा, तो कैसे पता चला आपका गोश्त इतना सस्ता मिल रहा है? भाई आते जाते हैं काम से तो बहुत देखा, मैंने तो 2-3 दिन सोचा उतर के लूँ, लेकिन आज एक बार था मैंने बोला सेकंड टाइम कर जाए, मैंने बोला ट्राई करके देखता हूँ। ट्राई करने के लिए आए? ये सुनने में आया कि बड़े जानवर का गोश्त है, एक दूसरे से सकते हैं। बड़े मतलब क्या? हम तो सुनने में तो लोग बातें करते हैं यार, पता नहीं अल्लाह माफ करे कि पता नहीं कैसा जानवर होगा और पानी वाला गोश्त होगा, इस तरह की बातें करते हैं। आप यहाँ पर खड़े में आपको देख के कैसा लग रहा है? हमें तो देख के लग रहा है ये बड़े जानवर का गोश्त है, माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको और दे। और दूसरी बात ये कि बड़े जानवर का गोश्त सुबह से सस्ता है, थोड़ा गलने में टाइम लगता है, लेकिन उसको अगर तरीके से गलाया जाए तो अच्छा गोश्त है। अच्छा, यही खाते थे लोग, अब जाके बच्चिया ढूंढते हैं, 1 दांत का 2 दांत का ये ढूंढते हैं, तो छोटा। पहले तो बड़े जानवर खाते थे हमारे बाप दादा, कहते थे गोश्त जब तक खाओ नहीं खेच के तब तक मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। हाँ, अब ये है कि सोचते हलवा वाला गोश्त, हाथ में मारो हलवा हो जाता है, ऐसा गोश्त खाते हैं बच्चे, अब उनको आदत पड़ गया। हम लोग तो गोश्त खेच के खाते थे भाई, खाते थे। पहले कभी लिया आपने? पहले तो नहीं लिया, आज पहली दफा ले रहा हूँ। पहली दफा ले? एकदम बिल्कुल पहली दफा। आपको तसल्ली हुई तभी आप लेने के लिए आए? लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं यार, ये बड़े जानवर है, घोटे इस बात से सस्ता मिलता है, कोई बीमारी दुखी वाला जानवर ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, ये क्वालिटी आपके सामने है भाई, बिल्कुल ये देख सकते हैं, इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा भाई ये गोश्त कैसा है। चलो ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। कहना चाह रहे हैं आप? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अगर इसमें इतना होता ना तो गरीब आदमी इतना लुगे लगेगा, इतनी महंगाई है कि सस्ताई के तौर पर आदमी अच्छा जान बूझ के करते हैं, आज दस से पूछ के आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नाड़ी नहीं, इतने बड़ा रोटी हम लोग भी खाते हैं और रोटी खाने का साथ साथ 100 रुपये रखते हैं। यानी खराब चीज जाहिर है कोई भी नहीं लेगा ना, अजीब बात, देखने में आंखें दी है अल्लाह पाक, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है सोचने के लिए, खराब चीज नाक दिया वाले खराब हो तो बदबू आएगी, होगा तो बदबू आएगी, वो सुनने में पता चल जाएगा। सही बात है, बस अल्लाह ताला ने ये जवाब उन लोगों के लिए जो गलत गलत मैसेज करते हैं, जो गलत तरीके से बहकाते हैं, गलत लोगों को मैसेज करते हैं, बोला कमेंट करते हैं अजीबो गरीब से, बिल्कुल यार ये बेकार गोश्त है, खराब गोश्त है। लोग कहते हैं ना बिना अपने आंखों से ना देखो तो दूसरे की इज्जत ना गाओ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है।